देखिए हिंदुस्तान की सबसे आखिरी दुकान। हर कोई लेना चाहता है इस दुकान के साथ सेल्फी। अगर आपने ये दुकान नहीं देखी तो फिर क्या देखा। यहां से सीधा स्वर्ग जाते हैं लोग। आनंद महिंद्रा पीना चाहते हैं इस दुकान पर चाय। दोस्तों नमस्कार, आज की वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको हिंदुस्तान यानी अपने देश की सबसे आखिरी दुकान के बारे में बताएंगे। दोस्तों हमारे देश का एक राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड का एक जिला है चमोली। ये जिला चीन की सीमा के साथ लगता है। चीन के बॉर्डर से लगते इस जिले में एक गांव है जिस गांव का नाम है माणा। इस गांव में हिंदुस्तान की सबसे आखिरी दुकान है और ये एक फेमस सेल्फी पॉइंट भी है। दुकान पर आने वाला सैलानी इसके साथ सेल्फी लेना कभी नहीं भूलता और मान्यता है कि इस दुकान के बाद स्वर्ग जाने का रास्ता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि माणा गांव का महाभारत से बहुत ही खास कनेक्शन है। इस गांव का पुराना नाम मणिभद्रपुरम था। इसी जगह से पांडव सीधा स्वर्ग गए थे। मैं आपको बता दूं कि इस गांव की मुख्य सड़क पर एक बोर्ड लगा हुआ है। बोर्ड पर लिखा है कि माणा गांव भारत की सीमा पर आखिरी गांव है और इसी गांव में हिंदुस्तान की सबसे आखिरी दुकान है। 25 साल पहले चंदेल सिंह बड़वाल नाम के एक शख्स ने इस दुकान को खोला था। इसके बाद से ये दुकान पूरे देश में प्रसिद्ध हो गई। उत्तराखंड घूमने आने वाले लोग इस गांव में आकर सबसे पहले इस दुकान में आते हैं और सेल्फी लेते हैं और इसके बाद दुकान में मिलने वाली चाय जरूर पीते हैं। यहाँ पर बहुत स्वादिष्ट मैगी भी मिलती है। मैं आपको बता दूं कि आनंद महिंद्रा ने इस गांव की तस्वीर अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से शेयर की है। उन्होंने इस दुकान के पास खड़े होकर चाय पीने और एक सेल्फी लेने की इच्छा प्रकट की है। दुकान की तस्वीर पोस्ट करते हुए आनंद महिंद्रा ने लोगों से पूछा, क्या ये देश के सबसे शानदार सेल्फी स्पॉट में से एक नहीं है? आनंद महिंद्रा ने दुकान के नाम की सराहना की और लिखा कि इस जगह पर एक कप चाय पीना भी बेशकीमती होगा। दोस्तों फिलहाल की रिपोर्ट में बस इतना ही और जाते जाते मुझे ये बताएं कि क्या आप इस दुकान पर जाना पसंद करेंगे। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें के एन मीडिया के साथ। सच के साथ, खबरें खास। नमस्कार।